हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम मेकर टू ब्लॉगर। नवरात्रे शुरू हो गए हैं और आप सभी को नवरात्रे की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी हम सभी पे अपनी कृपा बना कर रखे। तो मैंने यहाँ पे अपना मंदिर कुछ इस तरीके से सजाया है और मैं गई थी शाम को शॉपिंग करने के लिए। कुछ घर का सामान लेना था और नवरात्रि की भी मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। लौटते वक्त बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी और मौसम बहुत अच्छा हो गया था। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई। जब हम शॉपिंग करने गए थे तो वहाँ पर हमें एक चाय के लिए ना टी कप सेट अच्छा सा दिख गया था। काफ़ी टाइम से सोच रहे थे लेने का, फाइनली हमें कुछ पसंद आया तो हम लेकर आए। मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ भी इसकी अनबॉक्सिंग शेयर करूँ। तो चलिए देखते हैं कि अंदर से कैसा है, क्योंकि बाहर से तो हमने भी देख लिया था शॉप में कैसा है, लेकिन खोल कर तो हम भी पहली बार घर में ही देख रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। अब जब मैं इसको यूज़ करूँगी तो पता चलेगा कि कैसा है, फिर मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी। वैसे देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है जब हम रखा हुआ सामान ले आते हैं ना जो काफ़ी पुराना होता है, जैसे कि मैंने लास्ट मंथ ये कप सेट लिया था और वो शायद बहुत टाइम का रखा हुआ था, लेकिन एग्जैक्टली मुझे पता नहीं था कि पुराना है। देखने में तो न्यू ही लग रहा था, लेकिन जब मैं घर पर लेकर आई तो वो 2 दिन में ही ब्रेक हो गया था। इस बार जब हम लेकर आए तो हमने स्पेशली इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखी थी, जिससे कि कम से कम ये टूटे नहीं और लंबे टाइम तक चले। तो जब हम लेकर आए, इसकी अनबॉक्सिंग करी तो हमें काफ़ी पसंद आया। इसकी प्लेट्स काफ़ी हैवी सी हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हल्की फुल्की सी है, अच्छा खासा इसमें वेट है। तो ये काफ़ी मजबूत से लग रहे हैं और ये कप सेट मुझे काफ़ी पसंद आया। ये मैंने यहाँ के ऑफलाइन स्टोर से ख़रीदा है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो मैं सेम सेट का लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी, अगर मुझे ऑनलाइन मिलेगा तो। और क्योंकि आज बारिश हो रही थी तो सबका कुछ अच्छा खाने का मन था, स्पेशली कृष्णा के पापा का खाने का मन था, तो उन्हीं ने डिसाइड किया था कि आज वो बनाएंगे कुछ मज़ेदार सा और हम गर्मा गर्म चाय के साथ खाएंगे। तो यहाँ पे कृष्णा ना पापा की हेल्प कर रहा है, इस तरह के काम में ना उसको बड़ा मज़ा आता है, जैसे कि आलू मैश करना है या फिर मटर छीलनी है, जो छोटे छोटे से काम होते हैं ना बच्चों को बड़ा मज़ा आता है हेल्प कराने में। तो आज यहाँ पर कृष्णा ने डिसाइड किया है कि वो पापा की हेल्प करने वाला है, क्योंकि आज कृष्णा के पापा ही पूरी रेसिपी बनाने वाले हैं और देखते हैं कि रेसिपी कैसे बनने वाली है। शाम को दूध भी आ गया था तो मैंने साथ में यहाँ पे दूध चढ़ाने के लिए रख दिया है, क्योंकि इसके बाद हमें चाय भी बनानी है। नया नया कप सेट लिया तो भाई चाय पीना तो बनता है। तो यहाँ पर आलू को मैश कर लिया है और मुझसे वो सारे लोग रिलेट कर पाएंगे जो भी पेरेंट्स हैं और जिनके घर में बच्चे हैं। जब भी कोई रेसिपी बनानी होती है ना तो अक्सर उसके 2 पार्ट करने ही होते हैं, क्योंकि बच्चों को तीखा नहीं खिला सकते हैं और बड़े लोग को तीखा खाना पसंद होता है। तो यहाँ पर भी 2 पार्ट में आलू को डिवाइड कर लिया है, एक में थोड़ी कम मिर्ची डालेंगे और दूसरी में थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि बड़े लोग थोड़ा सा तीखा खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आलू में बेसिक से मसाले डाले हैं, नमक है, मिर्च है, थोड़ी सी हींग है, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा है और अजवाइन। ये सारी चीज़ों को मिला देना है और अच्छी सी स्टफिंग बनानी है हमें ब्रेड रोल की। एक्चुअली आज बनने जा रहे हैं घर में ब्रेड रोल, वो भी कृष्णा के पापा बनाने जा रहे हैं, और ब्रेड रोल हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है। तो जो कृष्णा के लिए ब्रेड रोल की स्टफिंग बनाई है उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, क्योंकि वो लाल मिर्च खा लेता है लेकिन हरी मिर्च नहीं खा पाता है। और जो हम अपने लिए बनाने वाले हैं उसमें हम काफ़ी सारी हरी मिर्च डालने वाले हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा तीखा खा लेते हैं लेकिन बच्चे नहीं खा पाते हैं। तो इस तरीके से हर चीज़ का 2-2 पार्टीशन करना ही पड़ जाता है। तो यहाँ पे आलू में हम हरी मिर्च को चॉप करके डाल लेंगे। और जब हम ये रेसिपी बना रहे थे उस वक्त भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और उस दिन पूरा दिन ही बारिश हुई और पूरी रात बारिश हुई, मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था। ठंडे मौसम में इस तरह की चीज़ें खाने का मन भी बहुत करता है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल ले रहे हैं, हरी मिर्च हमने पहले ही चॉप कर ली है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, जितना आपको पसंद है, कम ज़्यादा उस हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे। बाकी के थोड़े से मसाले और डालेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम थोड़ा सा भुना जीरा को इस तरीके से हाथ में रब करके डाल रहे हैं। थोड़ा सा हम इसमें अजवाइन भी डालेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर, इससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद लास्ट में रह जाएगा हरा धनिया, तो हम यहाँ पे हरा धनिया भी डाल ले रहे हैं। और अब बस सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हमें मिला लेना है, सारे मसालों को आलू के साथ, जैसे कि अच्छा सा हमारा आलू की स्टफिंग बनके तैयार हो जाए। आलू की स्टफिंग तीखी चटपटी सी होती है ना, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ब्रेड रोल का। तो यहाँ पे हमारी स्टफिंग लगभग बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा है तो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर बैकग्राउंड नॉइज़ 24 आवर्स आता है, क्योंकि जहाँ रहती हूँ ना वहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, तो चिड़िया की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो प्लीज़ आप उसे अवॉइड करिएगा। कृष्णा के लिए जो स्टफिंग बनाई थी उसमें हरा धनिया डालना भूल गए थे, तो हम उसमें भी मिक्स कर दे रहे हैं।
तो दोनों ही स्टफिंग बनकर रेडी हो गई हैं। ये सेम स्टफिंग आप ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टफिंग रेडी हो गई है, अब हम लेंगे ब्रेड। तो मैंने यहाँ पे ब्रेड जो ली है वो बड़े साइज़ की ली है, जिससे कि जब हम ब्रेड रोल बनाते हैं ना, अगर हम छोटी ब्रेड से बनाते हैं तो थोड़ा सा उसको फोल्ड करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी बड़े साइज़ वाली ली है, जो सैंडविच ब्रेड आती है ना, थोड़ा सा बड़ा साइज़ रहता है, वो वाली ब्रेड हमने ली है। इसके साइड्स हम निकाल देंगे। ये कोई ज़रूरी स्टेप नहीं है कि हमें इसके साइड्स निकालना है, आप चाहें तो रख भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जितने भी ब्रेड रोल बनाना है उतनी ब्रेड्स के हम ये साइड्स निकाल लेंगे। इसके बाद हमें लेना है पानी, क्योंकि पानी में डिप करना है, उसके बाद ही हम इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने ब्रेड को उस तरीके से डिप कर लिया है। इसके बाद सारा पानी हमें निकालना है, बिल्कुल हल्के हाथों से दबाना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। अगर आप ज़्यादा प्रेशर देंगे तो ब्रेड टूट जाएगी, इसलिए हल्के हाथों से हमें पानी निकालना है। और इसके बाद जो हमने आलू की स्टफिंग बना के रखी है वो हमें लेना है। तो थोड़ी सी हम आलू की स्टफिंग लेंगे और उसको हाथ से बिल्कुल गोल जैसा, पेड़ा जैसा बना लेंगे। तो हमें यहाँ पे उतनी ही स्टफिंग लेनी है जितना कि उसमें अच्छे से आ पाए और ब्रेड उसको फोल्ड कर पाए, कवर कर पाए, बस उतनी ही हमें स्टफिंग लेनी है। तो यहाँ पे हमने आलू ले लिया है इस तरीके से। आलू की जो स्टफिंग हमने बनाई है वो उतनी ही लेनी है जितना ब्रेड उसको कवर कर पाए, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है, हमें थोड़ा ही लेना है जिससे कि ब्रेड अच्छी तरीके से कवर कर ले उसको, और ब्रेड रोल जब हम तलेंगे ना तो वो फटे नहीं। तो उतने ही हिसाब से हमको आलू लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हल्के हाथों से हमें इस तरीके से घुमाते हुए प्रेस करना है, और ये हमारा बढ़िया सा ब्रेड रोल बन गया है। इस तरीके से हम सारे ब्रेड रोल बना के तैयार कर लेंगे, और फिर लास्ट में हमें इसे बस डीप फ्राई करना रह जाएगा, और इसको थोड़ा हल्का सा इस तरीके से रोल कर लेंगे ओवल शेप देने के लिए। अब हमें ब्रेड रोल को फ्राई करना है, तो हमें फ्राई करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ब्रेड रोल जल जाएंगे, और ऑयल बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ब्रेड पूरा तेल को सोख लेगी। इसीलिए हमें मीडियम हॉट ऑयल में इसे आराम से तलना है, बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची सा होने तक, अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए तब तक के लिए हमें इसे फ्राई करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्रेड रोल का बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है, अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, पक चुके हैं, एकदम क्रिस्पी क्रंची हो चुके हैं। इस स्टेज पे हम ब्रेड रोल को निकाल लेंगे और इसे हम गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करेंगे। अब यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ फोक की मदद से कि कितने क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी जो मेरे हस्बैंड ने बनाई है। ये रेसिपी आप दिवाली पर भी बना सकते हैं, मेहमानों को बना के खिला सकते हैं, उनको बहुत ही पसंद आने वाली है रेसिपी, बहुत ही टेस्टी और यमी बनते हैं।
अब रह गई है चाय की बारी, तो गर्मा गर्म चाय भी हम छान लेते हैं नए नए कप्स में। तो यहाँ पे चाय भी हमने बना ली है अदरक वाली, तो चलिए अब गर्मा गर्म चाय को एंजॉय करते हैं टेस्टी से ब्रेड रोल के साथ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरे सारे वीडियो देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।